सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद के पास तख्त से उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। बहुत ही बड़ा मंसूबा है ये। हम डाकखाने को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बंद करने का कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। नाइमे पर ये पाबंदियां, ये सख्त सजाएं उनके दिल में लगी आग पर तेल का काम करेंगी। अब्दुल कादिर, देखिए ये सबा 3 का बचपन है। ज़ैनब के महल से जाने के बाद तुम उसके कमरे में दाखिल होगी। जो चीजें मैंने तुम्हें दी हैं, तुम ऐसी जगह छुपाओगी जहां आसानी से मिल सके। मुहाफिजों को वो दवा ज़ैनब के कमरे से मिलेगी जो सिनेहा सुल्तान के पागलपन की वजह बनी। इजलास की तैयारी हो रही है, लेकिन वो लोग जो आईनी बादशाहत में नुमाइंदे मुंतखब हुए थे वो पेरिस भाग जाएंगे। ज़ुल्फ़त कालफा, तमाम मुहाफिजों को खबर कीजिए कि वो सब कमरों की तलाशी लें। सिनेहा सुल्तान को किसने जहर दिया है हर हाल में मालूम करना होगा हमें। मैं रूबीना से शादी करना चाहता हूँ। ये फैसला रूबीना करेगी, अगर रूबीना चाहती है तो। मैं चाहती हूँ। मुंतखब नुमाइंदे रूसी जंग में रूसियों की मदद कर रहे हैं, अब वो पेरिस फरार हो जाएंगे और अवामी सतह पर अपनी गद्दारी का ऐलान करेंगे। इन सबको गिरफ्तार कर लें। इस शहर को आखिरी बार देखें, जिसे हम वापस लेंगे और सलीब लगाकर इसकी इस्लामी शनाख्त खत्म कर देंगे। एक बेबस आदमी हूँ मैं। एक बेबस आदमी, अपनी रिहाइश का के इर्द-गिर्द मुहाफिज रखने वाले मुस्तल। हम आपकी मोहब्बत में मुब्तला होकर खुद को ख्वाबों की दुनिया में खोने से रोक नहीं पाए। वो बोतल दोगे मुझे? लैला, तुम ठीक हो? परेशान मत हो, यहां से निकल जाएंगे हम। चलो यहां से चले। यहां से निकलना होगा। बांध दो इस औरत को। छोड़ दो हमें। छोड़ो। छोड़ दो, जाने दो हमें। मेहरबानी करो, छोड़ दो हमें। खामोश हो जाओ खातून। उज़ानियन, लार्स, लार्स,
लार्स, काफी है। तुम खुद अपनी बीवी को मार डालोगे। जारी रखिए। जुल्फत, ज़ैनब यहां मौजूद नहीं है और हम उनके कमरे की तलाशी ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये बस खत्म होने वाला है। फिर भी जल्दी कीजिए, हम बिला वजह यहां की तलाशी ले रहे हैं। सुल्ताना, यहाँ कुछ है जिसका जायजा लेना बहुत जरूरी है। हम इस शीशी को पहले भी देख चुके हैं। इस सब में ज़ैनब का हाथ है। मुझे ये शीशी कूड़ेदान में मिली है। सुल्ताना, और चीजें भी मिली हैं यहाँ से, इन्हें देखें। आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी बहन उस बग्गी में नहीं थी? खलील खालिद ने बताया, क्योंकि गोलियां बरसाने वाले उन्हीं के आदमी थे। मैंने खलील खालिद पर अपनी बहन के कत्ल का इल्जाम आयद किया। वो आपके सामने सच लेकर आए? आपको यकीन है कि आपकी बहन यहाँ होगी? आखिरी बार वो यहीं पर ही थी। अगर वो यहाँ ना हुई तो कम से कम ये मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। चाचा, अब हमें क्या करना है बताएं? हम डाकखाने के हमले को यरगमाल बनाएंगे। यरगमाल होने वालों को बचाने के लिए सिपाही डाकखाने का घेराव कर लेंगे। तब हम जब तक चाहें अंदर रह सकते हैं चाचा, और डाकखाना बंद रख सकते हैं। अमानतदार के आदमी अंदर मौजूद होंगे। हमारा काम इतना आसान नहीं जितना उमर ने बताया। हमें थोड़ी दुश्वारी तो होगी। हम सबको यरगमाल बनाएंगे? नहीं, सिर्फ डाकखाने के अमले को। अमले का कैसे पता चलेगा? जब हथियार निकलते हैं तो अच्छाई और बुराई आश्कार हो जाती है। चलो। सब बाहर निकल जाओ। तुम नहीं। तुम नहीं जा सकते। तुम यरगमाल हो, बैठ जाओ। ततार, बांधो इन्हें। चाचा, अब क्या करेंगे हम? पहले जुए खाने के सिक्के तलाश करो और उन्हें तल्फ कर दो। ठीक है।
चाचा सिपाही आने वाले होंगे, क्या हम बाहर नहीं जाएंगे? चलो चले। उस्मान तुम यहाँ रुकोगे और इन पर कड़ी नजर रखोगे। एक सिपाही अंदर आएगा, उसे मुतालबात बताना और कहना के मुतालबात पूरे होने तक इनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है चाचा। मोहतात रहना, अगर कोई हरकत करे तो किसी हिचकिचाहट के बगैर उसे गोली मार देना। चलो चले। उम्दा इंतजाम किया गया है जनाब, रुथ चाइल्ड ने हमारे आराम का खास इंतजाम किया है। कितना वक्त लगेगा पहुंचने में? कुछ दिन तो लगेंगे पेरिस पहुंचने में, लेकिन इसके नतीजे में हम नई हुकूमत कायम करेंगे। इसके लिए हमने काफी इंतजार किया, तो हम महीनों तक भी सफर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ हैं? हजरात, आप लोग मेरे बगैर कहाँ रवाना हो रहे हैं? अच्छी बात यह है कि मैं आगा साहब के पास गया था और उन्होंने मुझे आपका पता बता दिया। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। देखिए, मेरे पास भी ये निशान है। बताओ बताओ, कौन कौन था वहां और तुम कहां जा रहे थे? कुछ नहीं जानता मैं। कैसे नहीं जानते? ये निशान कैसा है? ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ये। तो तुम इस तरह नहीं मानोगे? हाँ। तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे सर को कलम कर दूंगा। एक ही लम्हे में मार डालूंगा तुम्हें। बोलो। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता मैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, बताओ। सुल्ताने मासम, ये कुछ भी नहीं बता रहा। हमने थोड़ी देर कर दी पाशा, जहाज जा चुका है। आप मुलाकात में क्यों नहीं आए थे? मैं तो आ रहा था, लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं मिला। काफी वक्त गुजर गया था, मैं नक्शा देखते हुए आ रहा था, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं मिला। और फिर मैं आपकी तरफ से तवील अरसे से खबर का इंतजार कर रहा था। क्या अब्दुल हमीद के लिए काम नहीं करते थे तुम? हाँ, करता था, मैं काम करता था, लेकिन उस वक्त जब बाज़ंतीनी मुहाफिज़ीन नमूदार नहीं हुए थे। बाज़ंतीनी नहीं, कुस्तंतुनिया के मुहाफिज़ीन। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? कुस्तंतुनिया के मुहाफिज़ीन, कुस्तंतुनिया। हाँ, हमें एतमाद नहीं है तुम पर। देखिए, आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं भी उन लोगों में से हूँ जो मकसद पर यकीन रखते हैं, और मैं भी आपकी तरह एक तवील अरसे से खुफिया तंजीम की जानिब से खबर के इंतजार में हूँ। मुझे बतौर सिपाही कबूल कर लीजिए। इस मकसद के लिए मुझे खिदमत सरंजाम देने की इजाज़त दीजिए। मैं आपके कई काम कर सकता हूँ, जैसे आपके कपड़े धो सकता हूँ, ये खाना बना सकता है। मैं खाना बना सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, बहुत लजीज और जायकेदार खाना बनाता हूँ। मैं आपके लिए बेहतरीन खाना बनाऊंगा। मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। हाँ, आप मुझे अपने नए बावर्ची के तौर पर कबूल कर लीजिए। मुझे आपके लिए बेहतरीन खाना बनाना है। आप जो भी बनाने का हुक्म देंगे मैं बनाऊंगा। मैं आपके लिए बेहतरीन और मजेदार खाना बनाऊंगा। मैं कुस्तुंतुनिया के मुहाफिजीन का खास बावर्ची महमूद हूँ। आइए पाशा, आइए। महमूद पाशा दिखाई नहीं दे रहे, उनकी कोई खबर है आपके पास? मुझे उनकी कोई खबर नहीं। वैसे मैं एक खबर आपको भेजने वाला था। जनाब रुथचाइल्ड यहाँ आ रहे हैं, मुलाकात के वक्त आपको भी मौजूद रहना है। मैं जानती हूँ तुम किसका पूछ रही हो। वो एक साल पहले ही चली गई थी, बहुत बीमार थी। आप जानते हैं कि वो कहाँ गई थी? दो आदमी लेकर गए उसे, कह रहे थे अस्पताल ले जाएंगे और इलाज करवाएंगे। शुक्रिया।
आपको कुछ मालूम हुआ? वो एक साल पहले ही यहाँ से चली गई थी। एक साल पहले? ठीक है, क्या तब से अब तक आपने उससे कोई बात नहीं की है? मैंने आपको बताया तो है, हम अक्सर खतों की दावत करते थे। वो काफी बीमार थी, दो आदमी उसे अस्पताल ले गए। शायद बीमार होने की वजह से किसी रिश्तेदार के पास गई होगी। मैं अस्पताल जाकर पूछना चाहती हूँ। ठीक है। अभी इस लड़की को मारना मुश्किल है, उसके साथ मुहाफिजीन हैं, हमें मार देंगे वो। मौके की तलाश में रहना होगा। सुल्ताना बेफिक्र हो जाएं, महल में मौजूद गद्दार जल्द पकड़े जाएंगे, वो अपना जरूर कोई सुराग छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सुल्ताना कहिए। जुल्फत, उस शीशी में मौजूद दवा का जायजा ले लिया गया है। और नतीजा? ये वही दवा है जो सिनेहा सुल्तान के खून में पाई गई है। सुल्ताना मेरे ख्याल में मुजरिम का मालूम हो गया है, जान सकती हूँ कि कौन है मुजरिम? मुजरिम जैनब है। जैनब ने जुर्म किया है? लेकिन सुल्ताना वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? सब उससे बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं सब लोग। उनके कमरे से दवा की शीशी मिली है, बिल्कुल वैसी शीशी जैसी आप इस्तेमाल करती हैं। हो सकता है, क्योंकि जैनब खातून अक्सर मुझसे जड़ी बूटियां और दवा डालने के लिए शीशियां लिया करती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इसे इतने गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगी। जैनब ये नहीं कर सकती हैं। जरूर इसकी कोई वजाहत होगी, यकीनन। सुल्ताना, जैनब खातून से कितना अरसा हो गया है मिले हुए आपको? शायद एक साल। उनकी कैसे मुलाकात हुई आपसे? एक हादसा हुआ था, जैनब खातून ने उस वक्त हमारी जिंदगी बचाई थी। हमें हादसे का दिन याद करने में मुश्किल होती है। आपने हमें किस तरह तलाश किया, बताएंगी? जी बिल्कुल सुल्ताना, गांव में एक मरीज का मुआयना करने गई थी, बहुत थक गई थी मैं। जल्द अज जल्द नदी किनारे पहुंचकर थोड़ा पानी पीकर हवास बहाल करना चाहती थी, तो जब नदी किनारे जा रही थी उस वक्त देखा आपको। हादसे के बाद जैनब ने हमारी तिमारदारी की, हमने उनसे कहा कि वो महल में ही ठहर जाएं, और वो हमारी खास तबीबा बन गई। सुल्ताना आपसे माजरत चाहूंगी, लेकिन अगर ये सब मंसूबे का हिस्सा हुआ तो मुझे बहुत हैरानी होगी। यानी आपको जहर देने के पीछे जैनब का हाथ हो सकता है। उनके आने के कुछ अरसे के बाद हम बीमार हो गए थे, हम थोड़ी देर के लिए भी बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, हमें डरावने ख्वाब आते थे, बिल्कुल सनेहा सुल्तान की तरह। सुल्फत कालफा, इज्मित के कानून नाफिज़ करने वालों को कहिए कि जैनब को तलाश करके फौरन यहाँ लेकर आए, लेकिन उन्हें एहतियात करनी होगी क्योंकि हमारे शहजादे मेहमत सलीम भी उनके साथ हैं। हमारे शहजादे जैनब खातून के साथ गए हैं? जी हाँ, वो जैनब खातून के साथ हैं, और हम नहीं चाहते कि शहजादे को इस मामले से कोई भी ठेस पहुँचे। जुल्फत सिपाहियों से कहिए कि जैनब खातून को बाहिफाजत वापस लेकर आए, हम खुद उनसे बात करेंगे, अगर उन्होंने ये सब जराइम किए हैं तो वो एक एक करके हमें सब बताएंगी। फौरन जाइए। आपकी बहन की दस्तावेजात यहाँ हैं, उन्हें एक साल पहले यहाँ लाया गया था। उनके बारे में कुछ मालूमात है कि वो किसके साथ और कहाँ गई थी? क्या हुआ? यहां लिखा गया है कि फौत हो गई थी वो। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। आप जरा ठीक से देखिए, क्योंकि जैनब खातून हाल ही में अपनी बहन के साथ खतों किताबत करती रही हैं।
शहजादे, हमारे अस्पताल में दस्तावेजात को मोहतात अंदाज में तरतीब दिया जाता है। कहां दफनाया है ये भी लिखा है, आप चाहें तो जाकर देख लें। नहीं हो सकता। ज़ैनब, ज़ैनब, आइए यहां पर बैठ जाइए। पानी लाता हूं मैं। तुम परेशान लग रही हो। बेदार सुल्तान को संभालना उतना ही मुश्किल है जितना अब्दुल हमीद को। वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी गुफ्तगू से उन्हें शक हो सकता है। मैं तो आपके मंगेतर फौत साहब की सूरत हाल पर आपसे इजहार अफसोस कर रहा हूं। इसमें क्या परेशानी है? मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। साबिक नुमाइंदगान पेरिस रवाना हो चुके हैं। क्या ये मंसूबा कामयाब होगा अगर दीगर रियासतें उनकी हुकूमत को तस्लीम न करें? हम सबसे बात कर चुके हैं, अब अब्दुल हमीद से बात करने का वक्त आ गया है। हम उसके सामने जाकर उसे अपने इकदामात के मुतालिक बताएंगे और सौदेबाजी करेंगे। उस इजलास से पहले हमें अब्दुल हमीद से वो दस्तावेजात हासिल करनी होंगी। अगर इजलास के शुरू के पास वो दस्तावेजात पहुंच गई तो तुर्क नौजवान खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये सब कुछ तरतीब दिया है हमने, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे हम। हम गारों के कहने पर यहां आए हैं, हिंजक और तशनक गुरु के नुमाइंदे हैं हम। बहुत खूब, क्या सिर्फ आप दोनों ही आए हैं? हमारे भाई आएंगे, इस इजलास में शमूलियत बहुत अहम है हमारे लिए। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आप हिंजक और तशनक ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसे रास रखिएगा। क्यों? हमारे दीगर मेहमान किसी गलतफहमी का शिकार हो या नहीं चाहते हम, लेकिन तमाम फैसले आपसे पूछकर आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। ठीक है। आखिरकार वो अजीम दिन करीब आ रहा है। मैं तारुफ करवाता हूँ, ये अहमद रजा साहब है, नौजवान तुर्क हिस्ब इख्तिलाफ की सबसे नुमाइंदा शख्सियत, और ये दोनों आर्मेनी कौम के नुमाइंदे हैं। मिलकर खुशी हुई। मेरे ख्याल में यूनानी ऐवान के नुमाइंदे भी आएंगे। बिल्कुल, तमाम उस्मानी मुखालफीन हमारे इस इजलास में शिरकत करेंगे। रुक स्टाइल साहब आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं सुल्तान मौजम। इजाजत है। जनाब अब्दुल हमीद खान मोहतरम। जनाब रुस्टचाइल्ड। हम आपको एक अहम खबर देने के लिए यहां आए हैं, जो हमारे ख्याल से आपके जासूसों तक नहीं पहुंच सकी। साबका नायबीन पेरिस जा रहे हैं, क्या ये बताने आए हैं आप? हमारे जासूसों से कोई भी खबर बच नहीं सकती, जहमत की आपने। हम ये भी जानते हैं कि वो एक गैर रस्मी हुकूमत तश्कील देने का फैसला करेंगे। अब चूंकि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर हमारी सौदेबाजी जल्दी होगी। हम रियासत के बारे में सौदेबाजी नहीं करते, सौदेबाजी के लिए आने वाले शख्स को हम बाजार में फरोख्त कर देते हैं। ताहम एक अमीर ताजर की हैसियत से हमें कहने दें कि बाजार में मामलात पेचीदा हो जाते हैं। आप 3 लीरा में बेचते हैं, मगर बाजार में ऐसे सौदागर भी हैं जो बाजार पर काबू पा लेते हैं, और इस तरह सामान आपके हाथ में ही रह जाता है। आप चाहते क्या हैं? इसे रोकना चाहते हैं हम, और बदले में? बदले में आप हमें नौजवान तुर्कों से मुतालिक दस्तावेजात देंगे, और वो दस्तावेजात शाया नहीं की जाएंगी। मैं तुम्हारी मुतकबिर जबान को नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैंने सल्तनत उस्मानिया से तालीम हासिल की है। माफी चाहता हूं। आप जानते हैं कि गैर रस्मी हुकूमत हमारे काम को मुश्किल बना देगी रुस्टचाइल्ड साहब। हम भी जानते हैं, हम सोचेंगे इस बारे में।
इंतजार करेंगे हम। जनाब रुथचाइल्ड, हालात जो भी हों, लेकिन आप हमारे सामने दोस्त नजर आने वाले दुश्मन के तौर पर नहीं आए। हम इसका एहतराम करते हैं। कम से कम आपने ये तो साबित कर दिया कि आप एक बुजदिल दुश्मन नहीं हैं। शुक्रगुजार हैं हम। इसके अलावा जब हम आपको मात देंगे तो हमें एक काबिल दुश्मन को शिकस्त देकर दिली खुशी होगी। जो हमने कहा वो तुमने नहीं किया। ये खतरनाक है। मुझे अब्दुल हमीद के सामने मत फेंके। तो फिर तुम्हें खुद ही मरवा देंगे हम। मुझे आखिरी मौका दीजिए। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुमने इसे जाया किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सुल्तान मौसम, मुझे उस मक्कार शख्स को मारने की इजाजत दे दें। बहुत बोलता है वो, मर जाएगा तब बोल नहीं पाएगा। आप उसे नहीं मारेंगे पाशा। एक ही गोली काफी रहेगी, दूसरी की जरूरत नहीं होगी। रुथचाइल्ड एक ऐसा शख्स है जिसे मारना आसान नहीं। क्यों सुल्तान मौसम? उसके पीछे एक गंदा ताकतवर निजाम है पाशा, दुनिया का इस्तेसाल करने वाला निजाम। रुथचाइल्ड उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक हम ये निजाम तबाह ना कर दें, यहां तक के उसकी पैरवी करने वाले भी मुख्तलिफ नहीं होंगे। क्या हमने अब तक जो इकदाम किए वो सब हम रुथचाइल्ड के हवाले कर देंगे? हमने बेकार में इतनी मेहनत की। गैर रस्मी हुकूमत का ऐलान हमारी रियासत को काबिल एतराज बना देगा। खतरा बहुत है। तो क्या हम दस्तावेजात दे देंगे? तुम हमारे साथ होगे तो हम और भी मजबूत हो जाएंगे कारो। शायद मैं वापस पेरिस ही चला जाऊं जोरिस, इसलिए फिलहाल अपने कामों में मेरे बारे में मत सोचिए। मंशियात की तरसील रुक गई है। तरसील कैसे रुक गई? तमाम तर तरसील तो डाखाने से ही होती है। उन्होंने डाखाने पर कब्जा कर लिया है और सारे अमले को यरगमाल बना लिया है। सिपाही डाखाने के इर्द गिर्द मौजूद है। डाखाने पर कब्जा किसने किया है? खलील खालिद को डाखाने से निकलते हुए देखा गया है। ओ अच्छा, तो मरने से पहले उसने अपना आखिरी इकदाम भी कर लिया। तुम दोनों तैयार हो जाओ, उसके घर पहुंचने पर उन सबको मार देना। क्या हुआ तातार, क्या हालात है? सब कुछ ठीक है जनाब, उस्मान भी ठीक है। मुहासरा कर लिया सिपाहियों ने, जब तक चाहे डाकखाने को बंद रख सकते हैं हम। क्या तुमने मेवलिद की सड़क पर इकदाम किए हैं? जी हाँ जनाब, कल सुबह कोई भी गली में नहीं होगा। सांदार का क्या होगा चाचा? आसिफ अहमद इसके साथ यहां ठहरेगा और हम अमानतदार के साथ अपने तमाम मामला तय करेंगे। पाशा, हमने तहकीकात की है, महमूद पाशा यहां नहीं है। कहां चले गए वो? नहीं जानता पाशा। कहीं वो फरार तो नहीं हो गए? आह परवरदिगार, बाज़ंतीनी अजीम अफसाना हकीकत में है। या अल्लाह, आह
इस प्याज ने तो मुझे रुला ही डाला। ये हुई ना बात। थोड़ा सा ये भी डाल देता हूं और इसमें शायद ये भी डलता है। इसके बगैर तो कोई खाना खाना ही नहीं होता। मेरे ख्याल में ये बहुत मजेदार है। किसी चीज की कमी है, कुछ तो है जो भूल गया हूं। क्या शहद शहद ही नहीं डाला? इधर आओ, चलो शहद। पाशा, आप क्यों नहीं खा रहे? मैंने आपके लिए खाना तैयार करते हुए बावर्ची खाने में थोड़ा सा खा लिया था जनाब। आप लुत्फंदूस हो हजरत। आपको मेरा खाना कैसा लगा? अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप लुत्फंदूस हो। वैसे यह है क्या? यानी ये खाना कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजीन के लिए महमूद पाशा का बनाया हुआ इंतहाई खास खाना है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके जायके का राज मालूम करना चाहते हैं तो वो ये है कि इसमें खुश्क गोश्त शामिल है। बहुत खूब, बहुत खूब। खाएं जनाब, खाएं, जितना खा सके। पेरिस तक खाते चले जाएं, क्योंकि पेरिस में हमें यकीनन खुश्क गोश्त खाने को नहीं मिलेगा। आप कुछ छुपा रहे हैं? यानी कसम से मैंने अपने लिए थोड़ा सा खुश्क गोश्त छुपा कर रख लिया है, बस 8 से 10 किलो। लेकिन वो आपको नहीं दूंगा, वो खास तौर पर सिर्फ मेरे लिए है। हतमी तैयारी की जा रही है। मेहमान यहाँ आकर मकामी कयामगाहों में कयाम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इजलास के वक्त का कोई फैसला नहीं हो पाया। इंतजार करना होगा हमें। जब तक रुथचाइल्ड अब्दुल हमीद से दस्तावेजात हासिल नहीं कर लेते, कुछ नहीं कर सकते हम। अगर हम हासिल ना कर सके? हम हासिल कर लेंगे कारसू, हम कर लेंगे। हम अपने मकसद में नाकाम नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने रुथचाइल्ड को खबर कर दी है दस्तावेजात हासिल करके। जल्द अज जल्द हमें मुत्तला करेंगे वो। जनाब, सबहतीन साहब ने मालूमात मांगी है। दस्तावेजात की सूरत हल जानना चाहते हैं वो। उसे कहो हमने हासिल कर ली है। अब्दुल हमीद दस्तावेजात देगा क्योंकि वो मजबूर है। तो जल्द अज जल्द इजलास मुनक्कित करें। ठीक है जनाब, कल अब्दुल हमीद से दस्तावेजात हासिल कर लेंगे हम। आ जाइए शहजादी। कहिए। आपके लिए एक पैगाम आया है। बहुत शुक्रिया आपका। सुल्ताना, अगर आप मेरी दावत को कबूल करें तो मैं आपसे बात करने के उस मौके को दोबारा हासिल करना चाहता हूं जो मैंने नासमझी में गंवा दिया था। क्या हुआ? जैनब को मार दिया? कुछ मालूम हुआ?
उम्मीद करती हूँ उसे मार दे। बिदार सुल्तान ने सबको मुत्तला कर दिया है कि वो मेहमत सलीम को मार सकती है। बिदार सुल्तान ने सिपाहियों का दस्ता भेजा है, बस पकड़े जाने से पहले मर जाए ज़ैनब, वरना वो सब बता देगी। ज़ैनब की जगह हमारे दिल में बहुत मुख्तलिफ है सुल्तान मौज़म, हम बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे, यहाँ तक कि हम उन्हें नायमे की तरह अपनी बेटी मानते हैं। कभी कभार हम जो बातें अपने बच्चों से नहीं कर पाते थे वो उनसे किया करते थे। कुछ अरसा पहले हमने तहसीन पाशा पर शक किया था, आपको याद होगा। अगरचे सारे सबूत उनके खिलाफ थे, तब भी हमें अपने दोस्त की गद्दारी पर हरगिज यकीन नहीं था। शायद ज़ैनब खातून पर भी तहसीन पाशा की तरह बोहतान लगाया गया हो। इंशाल्लाह सुल्तान मुअज़्ज़म, इंशाल्लाह। लेकिन सितारा दाऊदी और इब्रानी किताब के पास जहर की शीशी का होना, और हादसे के बाद सबसे पहले हमने ज़ैनब को ही देखा था, हमें याद है। वो तमाम वाकयात जिन्हें अब तक हम आपका वहम ही समझते रहे, हो सकता है ज़ैनब खातून उनमें मुलव्वस हों, हम नहीं जानते। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ज़ैनब खातून गद्दार हैं, अगर उन्होंने आपको और सिनेहा सुल्तान को वाकई जहर देने की कोशिश की है, तो जान लीजिए उन्हें इसकी सख्त सजा दी जाएगी। हम जानते हैं, लेकिन हम शहजादे मेहमद सलीम के बारे में भी परेशान हैं। अगर ज़ैनब गद्दार हैं, तो वो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। परेशान मत हो, कानून नाफिज करने वाले अफसरान वहां पहुंचने ही वाले हैं, और मेहमद सलीम एक तालीम याफ्ता शहजादे हैं। फौज की सख्त तरबियत के बाइस वो जानते हैं कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, और उनके साथ मुहाफिजीन हैं जो अपनी जान कुर्बान करके भी शहजादे की हिफाजत करेंगे। आप परेशान ना हो। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके साथ होते हैं तो हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होती। मलिका, ये दूसरी बार है जब वो अपनी बहन के लिए रो रही हैं। अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। हम जाने के लिए तैयार हैं शहजादे। ज़ैनब, अगर आप कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं तो हम चल सकते हैं। मैं आपके साथ महल नहीं जा सकती शहजादे। क्यों? आप यहां रहना चाहती हैं? नहीं, आपको बता चुकी हूं साहब, आप सुल्तान मौसम और बीदार सुल्तान को बता दीजिए। हम क्या बताते, हम कुछ समझे नहीं ज़ैनब। आपको याद है ना कि मैंने आपसे कहा था मैं आपके काबिल नहीं हूं। हाँ, क्योंकि मैं गद्दार हूं। अंधेरे में हमें पकड़ नहीं पाएंगे, उसे छोड़ना नहीं। परेशान मत हो, लड़की के बाद शहजादे को मार दूंगा मैं। क्या कहते हो, इनाम मिलेगा ना इसका? तुम सिर्फ लड़की को ही मारो। महल में आके बीदार सुल्तान को जहर देना मेरा फरीजा था। क्या आपको एहसास भी है कि आप क्या कह रही हैं? क्या ये सब सच है? बिल्कुल, उन लोगों के पास मेरी बहन थी, वो बीमार थी, मैंने उनके कहने पर ये सब कुछ किया ताकि वो मेरी बहन को नुकसान ना पहुंचाए। मैं
मैंने बेदार सुल्तान को गलत दवाई दी। कौन कौन ज़ैनब? आपसे ये किसने करवाया? क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे शहजादे। ठीक है, पुरसुकून रहिए। वकील आइए, मैंने कहा वकील आइए। छोड़ दे, इसकी मुस्तैक हूँ। आपका असल दुश्मन जिंदा है। कौन कौन है वो? वो ज़ैनब। ज़ैनब दस्तावेजात नहीं देते तो उसके नतीजे में इजलास में जिला वतन हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। अब बताओ मंशी, आपका अड्डा कहाँ है? मैं नहीं जानता। खड़े हो जाओ। क्या ये वो लोग थे जो नई हुकूमत बनाने वाले थे? ये सब वही हैं सुल्तान मौसम। बच्चे को लो और यहाँ से जाओ। चलो बेटा, यहाँ से चलो। यकीनन अगर इसे रोक ना सके हम। नाइमे सुल्तान का आशिक एक मुखालिफ है या मेरे अल्लाह।